हे पीपल, वेलकम बैक टू माई चैनल दैट मोटी गर्ल। तो आज मेरी छुट्टी है, तो आज मैंने सोचा कि ब्लॉग शूट कर लेते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो डालती हूँ अपने चैनल पे। तो मैंने सोचा कि आज मैं घर पे हूँ तो एक छोटी सी पार्टी करती हूँ, और पार्टी का एक रीज़न भी है, मैं वो आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। ओके, तो अगर मैं इतने टाइम के बाद गैप में वीडियो डालती हूँ, पर आप बुरा मत मानना प्लीज़, मुझे अनसब्सक्राइब मत करना प्लीज़ भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों, प्लीज़ आप वीडियो देखिए। और जो मेरे वीडियो पे नए आए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। और एक कुछ था, हाँ, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। A few moments later. Hey people, तो मेरा काम सारा हो चुका है। हम लोगों ने सोचा, मैंने अचानक से बोला कि चलो आज कुछ बनाते हैं, क्योंकि मेरी बहन मुझे बोल रही थी कि तुम मुझे पार्टी दो, तो इसीलिए मैंने सोचा घर पे ही करते हैं। दिन में मैंने बोला कि चलो दिन में करते हैं, बट उस टाइम दिन का खाना भी बन चुका था, तो मैंने बहुत जो मैं बनाने वाली वो सारा मैंने रेडी कर लिया, बस मुझे वो सारा कुछ बनाना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस लिए मैं ये पार्टी दे रही हूँ। तो मैं बता रही हूँ कि मैं ये किस लिए मैं पार्टी कर रही हूँ, हम लोग किस लिए पार्टी कर रहे हैं। तो मुझे ना ये वाला शील मिला है, उल्टा ये उल्टा है, तो मुझे ये शील्ड मिला है। तो कल था रिटेल एम्प्लॉइज़ डे, तो उधर में कंपटीशन वगैरह था सिंगिंग का, डांस का, तो मैंने सोलो डांस किया था, तो मैं उसमें विनर हुई हूँ, तो ये उसके लिए। तो पार्टी तो करने का बहाना चाहिए, तो पार्टी मतलब हमारे क्या होता है, खाओ, मस्त खाओ और मस्त रहो, तो ये है हमारे पार्टी का मतलब। तो इसीलिए हम बाहर नहीं गए, बाहर जाना मतलब कुछ लोग जा पाते हैं, सब लोग नहीं जा पाते, इसीलिए मैंने सोचा कि घर पे ही करते हैं ये। तो ये है रीज़न। और जो मैंने डांस किया है ना उसका मैं क्लिप थोड़ा सा दे दूँगी, कॉपीराइट तो आएगा ही, पर कोई बात नहीं, मैं वो आपको थोड़ा सा क्लिप मैं दे दूँगी इस वीडियो पर, तो आप देखना। ओके, सारे कुछ रेडी हो चुके हैं, तो मैं आज बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा, बहुत टाइम बाद। और जैसा जो सब खाते हैं, चिकन और पुलाव, ऐसा ही, तो छोटा मोटा सा है, पर हमारे लिए ये ज़्यादा ही है, क्योंकि हम जब भी मैं घर पे रहती हूँ ना, तो यही सब कुछ मैं बनाती हूँ और सब खाते हैं यही। चिकन सबका ही फेवरेट है, तो ये बनने वाला है आज। मून आज बीमार है, मून हाय बोल, हाय हाय बोल, हाय। मून बहुत ज्यादा आज सुस्त है, आज इसको कुछ मन नहीं कर रहा है करने को। शी हाय बोल, हाय बोल, हाय, बाय बाय, कुचू कुचू। बिग बॉस मुझे चिकन चाहिए, बिग बॉस मुझे चिकन चाहिए, वरना मैं सुस्ती रहूंगा आज। इसे चिकन चाहिए, इसीलिए ये इंटरेस्टेड नहीं है किसी से बात करने में, ना किसी के साथ खेलने में, ना कुछ, बस सोने में। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और मेरा सबसे पहला जो है, मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ, क्योंकि उसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मेरे जो ब्लॉग होते हैं ना, मेरे जो लगभग ब्लॉग होते हैं ना, जो डे ब्लॉग होते हैं, वो ज़्यादातर ना कुकिंग ब्लॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये देखो, ये क्या है, ये गाजर है जो मैंने ग्रेट किए हुए हैं, और इसे मैं थोड़ा सा पकने के लिए दे दी हूँ, मैंने दो थोड़ा सा पकने के लिए इसे दे दिया है इंडक्शन में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है इसे बनाना, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है बनने में, तो इसीलिए। तो मैंने सारे जो मैं जो जो बना रही हूँ ना, वो सबको मैं
दे चुकी हूँ गैस पे बनने के लिए। जब तक तो वो पक रहा है तब तक हम आपस में बात कर लेते हैं। मुझे ना घी खाना बहुत पसंद है और मैं जितने भी खाने बनाती हूँ ना, मतलब जो भी डिश बनाती हूँ, लाइक अभी गाजर का हलवा, तो उसमें मैंने आधा बॉटल घी उड़ेल दिया है ऑलरेडी उस पर। और मैं जो भी बनाती हूँ ना, पुलाव भी मैं बनाऊँगी उसमें भी मैं घी डाल देती हूँ, चिकन बनाऊँगी उसमें भी घी डाल देती हूँ। मुझे ना घी का जो फ्लेवर है, घी का जो स्मेल है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। तो आप मुझे बताना कमेंट में कि आपको कैसा लगता है। इफ़ आपको पसंद है देन प्लीज़ एक रेड हार्ट देना कमेंट। ये मेरी बहन जो अभी अपना स्किन केयर कर रही है, जिम में अपना जलवा दिखाने के लिए जाने वाले हैं ये अभी। तो ये जिम में अभी जाएगी और अपना जलवा दिखाएंगी भवानी मैडम। तो आप देखो, आपको भी अगर जिम में जलवा दिखाना है तो आप ऐसे सिरम वगैरह पोत पात के जा सकते हो। मुझे ना पुलाव बनाने का तरीका मालूम है, पर होता क्या है ना, मैं फिर भी अपने तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि ना मेरे को पानी का जो अंदाज होता है ना, वो मैं नहीं कर पाती। कभी बहुत ज़्यादा वो ज़्यादा पक जाता है, कभी वो बहुत हार्ड रह जाता है। इसलिए मैं ना अपने स्टाइल में बनाती हूँ, जो कि बहुत ईजी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो ये देखो आप, मैं क्या करती हूँ, पहले तेज़पत्ते डालती हूँ, प्याज फ्राई करती हूँ, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालती हूँ, उसे फ्राई करती हूँ। उसके बाद बीन्स प्याज है, बीन्स और गाजर, इन दोनों को फ्राई करती हूँ। फ्राई करके नमक मैं दे देती हूँ, नमक और थोड़ा सा चीनी ऐड कर देती हूँ। उसके बाद इसे फ्राई करके मैं साइड करती हूँ, फिर जब चावल बन जाते हैं तो मैं साथ में मिक्स कर देती हूँ। तो हुआ ना इजी, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ पुलाव। मुझे झंझट लगता है पानी अंदाज करना, जिस दिन मैं सीख जाऊँगी उस दिन बहुत अच्छा होगा। और क्या ये, पर मुझे ये ज़्यादा ईजी लगता है बनाने में। बताना चाहती हूँ कि मैं ना डांस करती थी पहले, अभी लगभग 2 साल से ऊपर हो चुके हैं। मैं ना स्टेज पे परफॉर्म मैंने नहीं किया है, मैंने तो मैं कल किया मैंने परफॉर्म, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑडियंस का रिस्पांस, सारे ऑडियंस की रिस्पांस, मेरे जो कलीग्स है वो मुझको हमेशा इनकरेज करते रहते हैं। मैंने बोला था कि मुझको नहीं करना है क्योंकि मेरे से होगा नहीं, बहुत टाइम हो चुका है, बट मैंने थोड़ा अपने आप को बोला कि चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं स्टेज पे जाने से पहले ना बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बहुत ज़्यादा। जब मैं स्टेज पे चढ़ी, सारे लोगों ने क्लैप किया, इतने ज़्यादा सब हॉलिंग कर रहे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो कल हम लोगों ने बहुत ज़्यादा खाया भी और बहुत ज़्यादा मज़े किए कल, बहुत मज़ा आया कल हमें। हमेशा बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं होती हमारी लाइफ में, जो जैसे कि बहुत ज़्यादा मज़े करने या पार्टी होती है, हमेशा सेलिब्रेशन होता है, तो ऐसा नहीं होता है। हमें खुद ही वो चीज़ ढूंढना पड़ता है और खुद ही क्रिएट करना पड़ता है ऐसा ऐसा मोमेंट, एंड हमें खुद से ही मज़े करने होते हैं। अपने लाइफ है यार, मज़े करो, बस यही है और क्या। ये देखो, लगभग 2 घंटे की मुशक्क़त के बाद फाइनली हमारा गाजर का हलवा रेडी है। सी दिस, जो अरोमा आ रही है ना इसमें से, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही अच्छी है। तो ये देखिए, मेरा पुलाव जो है रेडी हो चुका है। मैंने जिस स्टाइल में बताया था ना, मैंने वैसे ही बनाया है। तो ये आप देख सकते हो, और इधर गाजर का हलवा, ये भी रेडी हो चुका है। मैंने चिकन को मैरिनेशन में डाला है अभी फ़िलहाल। मैं अभी इसमें डालूंगी कुछ आलू, जब मेरी बहन खाती है आलू 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 पोटैटोज़ मैं इसमें डालूंगी। उसके बाद मैं चिकन को फ्राई, ये मेरा चिकन फ्राई हो चुका है, बट इसके जो ऑयल के छींटे जो आ रहे हैं ना, वो उससे मैं जल चुकी हूँ ऑलमोस्ट। मेरे फेस पे, मेरे हाथ पे पूरे ऑयल के छींटे आ रहे हैं, खाना बनाना मतलब। तो डिनर हो चुका है रेडी फाइनली, हार्ड वर्क किया है मैंने आज। आज मैंने 3-4 घंटे सिर्फ किचन में बिताए हैं। अब मैं जाऊंगी टीवी देखूंगी, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ डिनर करने के टाइम। ओके, मैं उसके बाद सबसे पूछूंगी कि कैसा लगा खाना, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ टाइम मैं खाना नहीं बनाती, मेरी बहन बनाती है। क्योंकि मैं हमेशा मॉल में रहती हूँ, तो जिस दिन ऑफ होता है उस दिन मेरी टर्न होती है। तो आज मेरा टर्न था, मैंने खाना बना लिया। तो हम करेंगे शाम में पार्टी।
शाम में नहीं, रात में पार्टी, क्योंकि अभी तक मेरी बहन अभी तक जिम से नहीं आई है, वो आ जाएगी, इसके बाद हम लोग 7 बजे डिनर करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये रहा, अब हम डिनर करने वाले हैं। ये देखो, ये गाजर का हलवा है, ये चिकन है और ये पुलाव। तो ये चिकन खाना छोड़ चुकी है और इसे सिर्फ आलू आलू खाना है। आलू खाओ, बालू खाओ। हे पीपल, तो हमारा खाना हो चुका है। खाना एकदम टेस्टी बना था। कैसा बना था? टेस्टी। तो खाना बहुत टेस्टी था। हम सब ने खाना खा लिया है और मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मैं अभी जा रही हूँ सोने। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।